just start with the poem. पर्वत प्रदेश में पावस. बेटे थोड़ा सा रफ्तार से चलना होगा क्योंकि सिलेबस हमारा अभी काफी पड़ा है. इतनी रफ्तार भी नहीं पकड़ेंगे कि समझ ही ना आए. आज हम कर रहे हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस. बेटे वैसे तो पावस ऋतु हमारे यहाँ भी शुरू हुई हुई है. पावस ऋतु मीन्स वर्षा की ऋतु. वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए. पर्वत प्रदेश पहाड़ी इलाका. ओके पावस मीन्स वर्षा. पहाड़ी इलाके में बारिश का मौसम. आप सबने कभी ना कभी पहाड़ी इलाके में बारिश का अनुभव किया ही होगा. क्या होता है अकॉर्डिंग टू मी, जब भी बारिश के मौसम में कहीं पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो डर होता है बेटे कि ऊपर से चट्टाने ही टूट के हमारे ऊपर ना आ गिरे. मुझे आज भी एक हादसा याद है कि वी वर ट्रेवलिंग टू द हिली एरिया. तो हमारी गाड़ी जैसे ही निकली ऊपर पत्थर चट्टाने गिरी इतनी जबरदस्त. लोग कहते कि आप तो बच गए. जैसे ही आप वहां से सड़क से निकले पीछे से खूब चट्टाने गिरी हैं और उसका हादसे का शिकार आप भी हो सकते थे ना. अब और पहाड़ी इलाके में मैंने क्या देखा है कि अभी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, अभी बादल ही बादल छा गए. यानी बिल्कुल धुंध छा जाती है. और मैंने तो वैली में से ऊपर हिल्स की तरफ आते हुए भी बादलों को देखा है. यानी ऐसा लगता है जैसे नीचे कुछ जल रहा हो और उसका धुआं ऊपर उठ रहा है. रास्ते गायब हो जाते हैं. लगता है सीधा जाना था लेकिन होता है मुड़ना. ये सब इंसिडेंट्स वहां होते हैं बेटे. इस बात का ध्यान रखें हमें पर्वत प्रदेश में जाना पड़ता है पर बहुत अच्छा वातावरण होता है. तो देखें हमारे कवि जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं. राइट डाउन दिस वर्ड. प्रकृति के सुकुमार कवि हैं हमारे कवि. यानी इन्होंने अधिकतर कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखी. आई थिंक यू हैव रिटन दिस, नोटेड दिस. प्रकृति के सुकुमार कवि हैं. ठीक है सुकुमार. वैसे इनका नाम ऐसा लगता है जैसे सुमित्रा नंदन पंत, जैसे किसी स्त्री का नाम हो, पर नहीं, मेल मेंबर हैं पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि. इन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं वो सारी प्राकृतिक चित्रण पर लिखी हैं. ठीक है तो अब पर्वत प्रदेश में पावस की बात कर रहे हैं. तो वो कहते हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश. यानी वर्षा की ऋतु थी और पहाड़ी इलाका था. पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश. पल पल में नेचर जो है वो अपना वेश बदल रही थी. यानी अभी एकदम से धुंध, अभी एकदम से बादल छा गए. पल पल मीन्स क्षण क्षण. परिवर्तित बदल रही थी प्रकृति मीन्स कुदरत. वेश मीन्स अपनी वेशभूषा अपना नजारा. पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश. अब आपने अलंकार किए हुए हैं. अलंकार किए हुए हैं ना बेटे आपने. आपने अलंकार किए हुए हैं बच्चे. तो अलंकारों में देखिए इसमें पर्वत प्रदेश दोनों शब्द प प से शुरू हो रहे हैं. मीन्स यहां पे अनुप्रास अलंकार है. पर्वत प्रदेश दोनों शब्द एडजॉइनिंग वर्ड्स हैं और प प से शुरू हो रहे हैं. यह है अनुप्रास अलंकार. पल 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 सेम वर्ड इज रिपीटिंग अगेन मीन्स ये है पुनरुक्ति अलंकार. ये है पुनरुक्ति अलंकार. मुझे आपको म्यूट तो नहीं करना होगा. कर दूं म्यूट. मैंने म्यूट नहीं किया था क्योंकि आप ही लोग हैं, थोड़े से बच्चे अच्छे बच्चे हैं तो उनको इतना म्यूट करने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती. पर चलिए ठीक है बच्चे. पर्वत पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश. पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश.
मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार होता है करघनी के आकार का, कमर के आकार का गोल, कमर के आकार का गोल, ठीक है। मेखलाकार पर्वत, गोल गोल पर्वत है। कभी सीधा पर्वत तो किसी ने देखा ही नहीं होगा, पर्वत हमेशा होता ही गोल है, ठीक है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपार मीन्स बहुत बड़ा, गोल पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अपने सहस्त्र मीन्स सैकड़ों, दृग मीन्स आंखें, आंखों का पर्यायवाची शब्द है दृग, सुमन मीन्स फूल, फाड़ मीन्स फाड़ फाड़ कर, यानी फूल जो लगे हुए ना पहाड़ पे, मानो वो पहाड़ की आंखें हों और उन आंखों से फाड़ फाड़ कर आंखें वो देख रहा है। क्या देख रहा है पर्वत, ये देखते हैं। अवलोक रहा है बार बार, अवलोक रहा है बार बार मीन्स देख रहा है, अवलोक मीन्स देखना, बार बार देख रहा है नीचे जल में निज महाकार। नीचे जो तालाब है, पर्वत के नीचे जो तालाब है उसमें वह अपना विशाल रूप देख रहा है। निज मीन्स अपना, महाकार मीन्स विशाल रूप। नीचे जल में निज महाकार, अपना विशाल रूप नीचे जल में देख रहा है। यानी अभी हमने, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि तालाब है नीचे, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ पे सैकड़ों फूल लगे हुए हैं और पहाड़ की छवि जो है वो हमें तालाब के अंदर नजर आ रही है, ठीक है बच्चे। अभी हमने एक चित्र प्रस्तुत किया जिसके चरणों में पला ताल, यानी पहाड़ के चरणों में तालाब है, दर्पण सा फैला विशाल, और तालाब इतना शांत इतना साफ है मानो दर्पण हो, मानो शीशा हो। क्या ठहरा हुआ पानी है, साफ पानी, पहाड़ी इलाके में पानी साफ ही होता है बेटे, गंदा होने का मतलब ही नहीं, ठीक है। तो उस तालाब में पहाड़ अपनी शक्ल देख रहा है। बेटा मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार, ठीक है। तो बच्चे मैंने परमिशन दी हुई अनम्यूट करने की, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है अपनी इस पैराग्राफ के रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकता है। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क। 12 बच्चे प्रेजेंट हैं और 11 बच्चे एबसेंट हैं, 50% प्रेजेंस। बेटे यू ऑल विल सफर अगर अटेंड नहीं करोगे तो, बेटे हम लोगों ने तो अटेंडेंस देते जाना है और आप लोग फंसते जाओगे, ठीक है। बाद में आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, कोई क्वेरी है किसी की, पूछना है किसी को कुछ? देखिए मेरे सामने वीडियो किसी की भी ऑन नहीं है, मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ। इवन अ सिंगल चाइल्ड इज नॉट विजिबल, मैं दीवारों को ही पढ़ा रही हूँ मुझे लग रहा है। चलिए आगे चलिए फिर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब निर्झर शब्द का अर्थ है झरना, यू कैन राइट इट ऑन बुक, निर्झर मीन्स झरना। याद रखिएगा इस बार जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्जाम होना है उसमें शॉर्ट आंसर्स आने हैं, 90 क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं। अब लेसन्स में से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनने हैं, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक एक शब्द का मीनिंग आपको आना चाहिए। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी मीन्स पहाड़, गौरव मीन्स यश, पहाड़ के यश के गीत गाकर झरना झरझर करके बहता है, झरझर झरना आवाज करता हुआ बहता है। मद में नस नस उत्तेजित कर, उसके बहने से नशा फैलता है। मद में, मद मीन्स नशा, हमारी नस नस में नशा भरता है, यानी झरने को देखने के लिए हम कितने लालायत हो उठते हैं,
हम झरने को देखने के लिए आपको पता है पहाड़ी इलाकों में कितने कितने मील पैदल चल पड़ते हैं कि हमें तो वाटरफॉल देखनी है। ठीक है, हमारी नसों में, हमारे खून में ये जो झरनों की आवाज है ये एक नशा सा भरती है, यानी वी लव टू सी दीज मोती की लड़ियों से सुंदर झरने जो हैं, ये सफेद कलर का झरना बहता हुआ ऐसा लगता है मानो भगवान ने मोती की लड़ियां पिरो दी। झरते हैं झाग भरे निर्जन, ऊपर से पानी गिरता हुआ ऐसा लगता है मानो झाग पैदा हो गई, सफेद सफेद दूधिया झाग पैदा हो गई। ठीक है, दो दृश्य उपस्थित हो गए आपके सामने। पहला पहाड़ का दृश्य, बहुत बड़ा गोल पहाड़ है, उसके नीचे तालाब है। वृंदा थैंक यू बेटा, उसके नीचे तालाब है, तालाब में पहाड़ अपनी शक्ल देख पा रहा है और शक्ल किससे देख रहा है? कवि कहता है कि पहाड़ पर जो असंख्य फूल खिले हुए हैं उन फूलों को आंखें बनाकर पहाड़ नीचे अपना रूप देख रहा है। तालाब को उसने दर्पण के साथ, तालाब की उसने दर्पण के साथ तुलना की है बच्चे। ठीक है, और इसके बाद उसने कहा है कि झरने झाग भरे होते हैं, उसकी आवाज हमें उत्तेजित करती है, मोती की लड़ियों के समान झरने बहते हैं। ठीक है, तो ये उसने दो रूपों का वर्णन कर लिया। कम टू द थर्ड पोर्शन ऑफ द पोएम। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर मींस पहाड़ का बड़ा रूप, उर मींस दिल मतलब छाती, पहाड़ की छाती पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और आपको पता है पहाड़ों पे बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे वृक्ष लगे हुए होते हैं, कई बार तो वो सारे एक जैसे होते हैं, है ना, वो प्राकृतिक नहीं होते, वो मैन मेड होते हैं, जहाँ एक जैसे वृक्ष हों। और जो मैं प्राकृतिक होते हैं वो तो झाड़ियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। गिरिवर के उर से उठ उठकर, पहाड़ की छाती से उठकर बड़े बड़े पेड़ उच्च आकांक्षाओं से, तरुवर तरुवर पेड़ उच्च आकांक्षाओं, जैसे ऊपर को देख रहे हैं और ऊपर उठना चाहते हैं, बहुत मन में उच्च आकांक्षा है और ऊंचा उठने की उम्मीद है, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। मैं देखना चाहती थी विनीत रूप है क्लास में इस समय, वृंदा विनीत रूप है? नहीं है, 12 बच्चे हैं प्रेजेंट। निष्ठा प्लीज स्क्रीनशॉट लेना बच्चे। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, ऊपर देख रहे हैं खाली आसमान को देख रहे हैं। और आप सबको मालूम है बच्चे होता क्या है? बबलू 2 मिनट, बबलू 2 मिनट बेटे, होता क्या है, बारिश होने से पहले सब कुछ गुमसुम हो जाता है बच्चे, हवा नहीं चलती, इसीलिए तालाब में उसे अपना आकार पर्वत को नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो बादलों को उड़ा कर ले जाएगी। बारिश आने से पहले हमेशा वातावरण गुमसुम सा हो जाता है, शांत हो जाता है बिल्कुल, जब हवा बिल्कुल बहना बंद हो जाती है तभी हम कहते हैं बारिश अवश्य आएगी, बड़ा गुम होया है। ठीक है, तो बच्चे वो कह रहा है कि पेड़ पौधे बिना हिले ऊपर को देख रहे हैं मानो और ऊपर उठना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ आकांक्षाएं हैं, ऊंचा उठने की उम्मीद है, कुछ आकांक्षा मीन्स ऊपर उठने की उम्मीद है, झांक रहे नीरव नभ पर झांक रहे हैं ऊपर आसमान की ओर बिना हिले डुले देख रहे हैं। नीरव मीन्स नीरव नभ शांत आकाश। ठीक है, नीरव शांत, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष मीन्स एक टक, अटल मीन्स बिना हिले कुछ चिंता पर, जब इंसान बिल्कुल बिना हिले बिना आंखें झपके एक ही तरफ देखता है तो हम क्या कहते हैं उसकी आंखों के आगे ऐसे कहाँ खो गए, है ना, वैसे ही ऐसा लग रहा है मानो पेड़ पौधे किसी चिंता में हैं, बिना हिले डुले बिना कुछ किए केवल ऊपर को देख रहे हैं शांत होकर। तीन चित्रों का वर्णन आ गया, पहाड़ का,
झरने का, पेड़ों का, तीन चित्रों का वर्णन आ गया। ठीक है जी, तीनों चित्र याद रहेंगे आपको, बिल्कुल याद रहेंगे। ओके, नाउ सीन इज चेंज्ड, सीन इज चेंज्ड। क्या सीन बदला बेचे, एकदम से क्या हो गया, उड़ गया अचानक लोग उधर, फड़का अपार पारद के पर। अचानक क्या हुआ, ऐसा लगा मानो भूधर, भूधर मींस पहाड़ का पर्यायवाची है, एकदम से पहाड़ गायब हो गया, ऐसा लगा मानो उड़ गया। अब कहाँ उड़ गया, देखें, फड़का अपार पारद के पर। पारद होता है जैसे पारा, पारा, पारे को कहा जाता है पारद, मरकरी सफेद, चारों तरफ सफेद ही सफेद हो गया ना, ऐसा लगा मानो पंख लगाकर ये जो पहाड़ था उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्जर, रव शेष, रव मीन्स आवाज, शेष मीन्स बाकी, आवाज बाकी रह गई है केवल झरनों की, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब कुछ गायब हो गया, मानो पहाड़ ही उड़ गया। पहाड़ ही बादलों के पंख लगा के, पारे के पंख लगा के उड़ गया। बादल हमेशा सफेद होते हैं ना, इसलिए उन्हें पारों के साथ और पारे के साथ उसकी तुलना की गई। रव शेष रह गए हैं निर्जर, केवल आवाज शेष रह गई है, केवल झरने की आवाज शेष रह गई है, मानो सब कुछ गायब हो गया हो। अब कवि कह रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब कवि क्या कह रहा है, ऐसा लगता है आसमान ने धरती पे हमला कर दिया हो। हुआ क्या, चारों तरफ धुंध छा गई है ना, और लग ऐसा रहा है मानो आसमान ने धरती पर हमला कर दिया हो, और डर के मारे पहाड़ बादलों के या पारे के पंख लगाकर उड़ गया। ठीक है बच्चे, स्पष्ट हो गया, आगे चल सकती हूँ, आगे चल सकती हूँ, कम से कम इम्प्रेशन ही दिखा दो, थम इम्प्रेशन दिखा दो, कुछ तो दिखाओ मुझे। ओके कीर्ति, चल सकती हूँ आगे। धस गए धरा में सभय शाल। अब जो शाल के वृक्ष थे वो डर कर धरती में छुप गए, सभय, भय के साथ, डर के जैसे मानो धरती में छिप गए। अरे होता तो ऐसा नहीं है ना, नहीं होता ना, क्या होता है, एकदम से वातावरण बिल्कुल स्पष्ट था, एकदम से बादल आ गए, सारा कुछ विजिबिलिटी जीरो हो गई, हमें नजर आना बंद हो गया, होता तो ये। लेकिन कवि क्या कल्पना कर रहा है, ऐसा लगता है मानो आसमान ने धरती पे हमला कर दिया हो, और धरती पे हमला करते ही क्या हुआ, पहाड़ डर के मारे भाग गया है ना, जो वृक्ष थे वो धरती के अंदर छुप गए डर के, और जो झरने थे उनकी केवल आवाज रह गई, वो भी डर गए। तीन दृश्य उपस्थित हुए थे, तीनों के साथ क्या हुआ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया। उड़ रहा धुआं, जल गया ताल, कहते धुआं ही धुआं चारों तरफ रह गया, यानी केवल 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 धुआं बादल ही रह गए, जल गया ताल, आसमान ने हमला कर दिया ना धरती पे, तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो तालाब जल रहा हो, पानी में भी धुआं उठना शुरू हो जाता है ना, ऐसा लग रहा है मानो तालाब जल रहा हो, लगता है मानो, होता नहीं है ऐसा। यूं जलद यान में विचर विचर, इस तरह बादलों के यान में बैठकर, यान होता है जहाज, बादलों के जहाज पर बैठकर, यूं जलद यान में विचर विचर, यानी बादलों के जहाज पर बैठकर, था इंद्र खेलता इंद्र जाल, मानो इंद्र, इंद्र को वर्षा का देवता इंद्र माना जाता है ना बेटा, तो ऐसा लगता है मानो इंद्र देवता, वर्षा के देवता इंद्र जाल खेल रहे हैं, जादूगरी कर रहे हैं, जादू का खेल दिखा रहे हैं, यानी ओम सारा नजर आ गया, ओम सारा खत्म हो गया, यानी विद द पैसेज ऑफ वन मिनट सब कुछ क्लियर, विद द पैसेज ऑफ वन मिनट एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ठीक है, वर्षा ऋतु में ऐसा ही होता है, एक मिनट में सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है,
और एक मिनट में सारा कुछ छिप जाता है. दिस वॉज द होल पोएम. यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड बच्चे. कोई वर्ड मीनिंग पूछना हो, कोई मीनिंग पूछना हो, कोई अर्थ पूछना हो, कोई व्याख्या पूछनी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं. क्योंकि इतना क्लियर करने के बाद जो प्रश्नोत्तर है बेटे वो आप खुद कर सकते हैं. ठीक है रोहानी, प्रश्नोत्तर आप खुद कर सकते हैं बेटे. इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना. क्या क्वेश्चन होंगे? बादल कहाँ भाग गया? इंद्र, पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो होना चाहिए इंद्र का, इंद्र जाल क्या था. टाइम इज रनिंग फास्ट, सो अभी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रही, यू विल डू इट योर सेल्फ. अभी जर्नल कविता एक बार डिस्कस कर देते हैं पीछे से शुरू होके, एक दो मिनट लगा के बच्चे. इंद्र देवता का इंद्र जाल क्या था? ठीक है, यहाँ पे केवल इंद्र देवता को ही क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि बारिश के देवता माने जाते हैं ना, और कविता बारिश से संबंधित है. उसका इंद्रजाल क्या था? ऐसा लग रहा है अभी सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जैसे ही बादल छाए सब कुछ गायब हो गया, है ना. इंद्र देवता के आने पे सब दिखना बंद हो गया. यही इंद्र देवता का इंद्रजाल था. ऐसा लग रहा था मानो, आप डिटेल में अब जितना मर्जी लिखते जाओ. ठीक है, कौन डर गया था? शाल के वृक्ष डर गए थे. ठीक है, कौन जलता हुआ प्रतीत हो रहा था? तालाब, ताल जलता हुआ प्रतीत हो रहा था. ठीक है, वृक्ष कहां धस गए? वृक्ष धरती में धस गए. कौन किस पर टूट पड़ा? आसमान धरती पर टूट पड़ा. ठीक है, निर्झर की केवल रव शेष, पहले तो रव शेष रह गए का अर्थ बताएं, निर्झर का अर्थ बताएं, फिर बताएं कि निर्झरों की केवल आवाज क्यों रह गई थी? क्योंकि वर्षा ऋतु थी, प्रकृति पल पल में अपना वेश बदल रही थी, इसलिए केवल झरनों की आवाज रह गई थी. बादल छा गए थे, धुंध छा गई. ठीक है, इस तरह करते करते हम स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे और क्वेश्चन बनाते जाएंगे. ओके, वी विल कंटिन्यू इट ऑन थर्सडे. तो मेरा ख्याल आपका टेस्ट फ्राइडे को है, तो फ्राइडे टेस्ट में आपको मैसेज कर दूंगी, आपका सिलेबस आपको मैसेज कर दूंगी बेटे.